रोहतक में बेसहारा लोगों के लिए जनसेवा संस्थान बेहद सराहनीय काम कर रही है। बुजुर्ग, लावारिस और शोषित लोगों का सहारा बनने के अलावा जनसेवा संस्थान गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा का मौका देकर शिक्षा का उजियारा फैला रही है। जिसका कोई नहीं उसका जनसेवा संस्थान सहारा। जी हाँ, रोहतक के भिवानी रोड पर स्थित जनसेवा संस्थान स्वामी परम चैतन्य महाराज के मार्गदर्शन से गरीब, बेसहारा, बुजुर्ग और असहाय लोगों की सेवा में जुटा है। स्वामी परम चैतन्य महाराज ने वृंदावन से प्रेरणा लेकर 25 साल पहले जनसेवा संस्थान की नींव रखी थी, जो आज की तारीख में सैकड़ों बेसहारा और गरीबों के निःशुल्क इलाज में जुटा है। इतना ही नहीं, जनसेवा संस्थान निःशुल्क स्कूल्स भी चलाता है, जहां आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चे 12वीं तक मुफ्त शिक्षा लेते हैं। रोहतक में 4 आश्रम हैं, जिनमें 2 वृद्ध आश्रम, 1 महिलाओं के लिए, 1 पुरुषों के लिए, 2 अनाथ आश्रम, 1 महिलाओं के लिए, 1 पुरुषों के लिए। सभी निःशुल्क सेवा चलती है। इस समय जेंट्स के वृद्ध आश्रम में 75 लोग रहते हैं, महिलाओं के वृद्ध आश्रम में 92 महिलाएं रहती हैं। जनसेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क पब्लिक स्कूल चलाया जाता है, जिसमें इस समय 803 विद्यार्थी नर्सरी से लेकर के प्लस टू तक सभी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जनसेवा संस्थान की एक शाखा PGIMS में मरीजों की सेवा में भी जुटी है। अस्पताल में 14 सेवक, 2 एम्बुलेंस, 180 व्हीलचेयर्स जरूरतमंदों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। इमरजेंसी में भर्ती होने वाले लावारिस मरीजों को संस्थान सहायक और इलाज की सुविधा देता है। इसके मेडिकल के अंदर सारे हरियाणा में अकेला एक PGI है। इस यहाँ पर भी जहाँ के एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पर ही उनको लेकर के आ जाते हैं। जब तक उनके घर के नहीं पहुँचते, वो लावारिस रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए उनको दवाई देना, उनके लिए ऑपरेशन का सामान, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करना, उनको टेस्ट करवाना। मरीज के ठीक होने के बाद उसे आश्रम में ही रखा जाता है। संस्थान के आश्रम में परिवार से दुत्कारे गए बुजुर्गों को सहारा मिल रहा है, तो लावारिस, घायल, पीड़ित, शोषित लोगों को भी आश्रय मिलता है। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया।